दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर ड्राफ्ट क्या होता है। इंस्टाग्राम पर ना टू ड्राफ्ट्स होते हैं, एक तो इंस्टाग्राम मैसेज ड्राफ्ट होता है और दूसरा होता है इंस्टाग्राम पोस्ट ड्राफ्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम मैसेज ड्राफ्ट क्या होता है। इंस्टाग्राम मैसेज ड्राफ्ट वो होता है, जैसे मान लो आप कोई मैसेज टाइप करते हो किसी के पास और उसे सेंड नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अब मैं उसे बताऊंगा आपको उसे यूज़ कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट ड्राफ्ट क्या होता है। पोस्ट ड्राफ्ट वो होता है, जैसे मान लो आपने कोई पोस्ट रेडी कर लिया अपलोड करने के लिए और उसे आप अपलोड नहीं करते हो, सोचते हो बाद में अपलोड कर दूंगा एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद, तो उसे बोलते हैं ड्राफ्ट पोस्ट। तो अब मैं आपको दोनों बताऊंगा आप ड्राफ्ट मैसेज और ड्राफ्ट पोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम पर ड्राफ्ट मैसेज की, इसे कैसे करते हैं हम यूज़। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद मैसेज वाले सेक्शन पर आ जाना है। अब देखिए आपको कोई भी चैट सिलेक्ट कर लेनी है। अब जिसके पास भी आप ड्राफ्ट मैसेज सेंड करना चाहते हो, ड्राफ्ट मैसेज बनाना चाहते हो, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है चैट। अब देखिए मैंने सिलेक्ट चैट कर ली है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी मैसेज टाइप कर देना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ क्या हाल चाल है, देखिए मैंने टाइप कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बैक आ जाना है इस तरह से। तो देखिए ड्राफ्ट मैसेज बन गया है। अब इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। अब देखिए मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया आपके सामने। अब मैं इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता हूँ दोबारा। देखिए मैसेज वाले सेक्शन पर आया, अब ये ड्राफ्ट बन गया है। इसे आप जब भी ओपन करोगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप मिलेगा, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे बोलते हैं मैसेज ड्राफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ इंस्टाग्राम पर पोस्ट ड्राफ्ट कैसे करते हैं, क्या होता है वो। अब आपको बैक आ जाना है। अब देखिए अब मैं कोई पोस्ट अपलोड करूँगा यहाँ से, देखिए मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये मैंने फ़ोटो ले ली अपनी। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद कुछ भी देखिए यहाँ से मैं फ़िल्टर ले लेता हूँ कोई भी। फिर उसके बाद आपको दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी कैप्शन जो है टाइप कर देना है। जैसे मैं अपना नेम ही टाइप कर देता हूँ यहाँ पे संकेत। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है ये जो बैक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे, फिर दोबारा से बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा गया है सेव ड्राफ्ट, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दोबारा से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे वो पोस्ट एज इट इज़ आपके सामने शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने संकेत टाइप नहीं करा, इस बार ऑटोमेटिक आ गया है। फिर इस तरह से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, इसी को ड्राफ्ट पोस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं इसी टाइप्स की वीडियो चलाता रहता हूँ।